नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का इतिहास। आरएसएस का 94 सालों का जो इतिहास है काफ़ी लंबा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। हम जानेंगे कि आरएसएस की स्थापना क्यों हुई, किसने करी, क्या कारण थे, आरएसएस की फिलोसफीज़ क्या हैं, आरएसएस ने कैसे अपने आप को स्वाधीनता संग्राम के साथ जोड़कर भी रखा लेकिन एक तरह से अलग भी रखा, कैसे देश की पॉलिटिक्स को पिछले 70 सालों में इन्फ्लुएंस किया है आरएसएस ने, क्या उसके क्रिटिसिज्म्स हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के सेल्फ प्रिपरेटरी पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं सारे मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, खास करके यूपीएससी जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है उसके लिए हमारा फ्लैगशिप पेनड्राइव कोर्स आप अवेल कर सकते हैं और इससे घर बैठकर आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए studyiq.com। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। जो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए टेलीग्राम चैनल है, ये रहा उसका लिंक। आरएसएस का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहली छवि आप लोगों के शायद यही आती होगी, एक आम आदमी के दिमाग में यही छवि आती है कि कुछ सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट्स पहने हुए या खाकी नेकर पहने हुए, हाथ में डंडा लिए हुए नौजवान या फिर आदमी चले जा रहे हैं, पथ संचलन कर रहे हैं या फिर एक आर्मी परेड सा मार्च कर रहे हैं, एक आम छवि आरएसएस की यही है। लेकिन देर इज मोर टू आरएसएस देन दिस। आरएसएस इससे कहीं व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। आरएसएस केवल कुछ लोग हाथ में डंडा लेकर एक्सरसाइज करते हुए लोग नहीं है। हाँ, ये उसका एक बेसिक हिस्सा है, शाखा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आरएसएस का कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है और पॉलिटिकली भी हमें आरएसएस के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देश के सर्वोच्च पदों पर आरएसएस के पूर्व प्रचारक पदासीन है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये दोनों एक समय पे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं या फिर आरएसएस के एक्टिव मेंबर्स रहे हैं। और इसके अलावा भी कई सीनियर लीडर्स देश के, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी संघ के पदाधिकारी रहे हैं और इनका संघ का और बीजेपी का बहुत क्लोज जुड़ाव है। तो क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए हमें इस आरएसएस के बारे में जानना पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ नाम से, व्हाट्स देयर इन अ नेम, लेकिन नाम में सब कुछ रखा है। शेक्सपियर का कहना गलत था, मैं थोड़ा इसमें अगेंस्ट हूँ शेक्सपियर के। देखो, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, स्वयं सेवक का मतलब है वॉलंटियर, जो अपने आप को सेवा के लिए आगे ला रहा है, वॉलंटियर कर रहा है बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्जेस के, बिना बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद के। कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसे आप वॉलंटियर कहते हैं। तो ये है स्वयंसेवक। और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संघ यानी किसी लोगों का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये आपस में जुड़ाव होता है तो उसे संघ कहा जाता है। अब आरएसएस की सिंपल नाम के अनुसार डेफिनेशन तो ये हो गई कि ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस पे टैग्स लगाए जाते हैं। टैग्स का मतलब, इसे कहा जाता है राइट विंग। आप अखबारों में कई बार ये टर्मिनोलॉजी देखोगे, जब भी आरएसएस का नाम लिखा होता है इसके आगे एक प्रीफिक्स होगा, या तो राइट विंग आरएसएस, हिंदू नेशनलिस्ट आरएसएस, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। तो राइट विंग डेफिनेटली आप आरएसएस को कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो राइट विंग की तरफ झुकाव रखती हैं। लेकिन मैं कई बार अपने लेक्चर्स में पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ, भारत की पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के राइट और लेफ्ट के स्पेक्ट्रम में फिट नहीं बैठती है। भारत के अंदर लगभग सभी पार्टीज इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो वो थोड़ी सी सोशलिस्टिक पॉलिसीज रखती हैं, और डिफरेंस बस इतना है कल्चरल पॉलिसीज में थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म है राइट विंग यानी बीजेपी की तरफ, बाकी कई पॉलिसीज में राइट और लेफ्ट का उतना डिफरेंशिएशन भारत में नहीं देखने को मिलता है। हिंदू नेशनलिस्ट डेफिनेटली आरएसएस को कहा जाता है। फिर तीसरा है टैग पैरामिलिट्री का। पैरामिलिट्री कहाँ तक सही है? आरएसएस अपने कैडर्स को डेफिनेटली ट्रेनिंग देता है, जो डंडा होता है उसे चलाने का, उसे यूज करने का। कुछ स्पेशलाइज्ड कैंप्स होते हैं जिनमें एलिजिडली हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन ये सभी नॉलेज पब्लिक डोमेन में, ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में बाहर नहीं आती है, क्योंकि पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आउटराइट अपने आप को आरएसएस नहीं कहता है, तो हम इसे लॉफुली या लीगली पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। लेकिन मोस्टली जो लेफ्ट लिबरल राइटर्स हैं वो इसे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अपनी अपनी विचारधारा है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप सदस्य देखते हैं तो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रे एरिया है। आरएसएस कहता है कि हम डायरेक्टली बीजेपी को कंट्रोल नहीं करते, बीजेपी भी कहती है हम आइडियोलॉजिकली आरएसएस से डिराइव करते हैं, लेकिन हमारा कोई डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर आरएसएस के पास नहीं है।
ये ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी मिशनरी, इन दोनों शब्दों का मतलब समझिए। वॉलंटरी यानी यहाँ पे किसी को पैसा नहीं मिलता आरएसएस ज्वाइन करके काम करने के लिए, और मिशनरी यानी ये किसी सोशल सर्विस में या फिर रिलीजियस सर्विस में लगे हुए हैं। तो आरएसएस आखिर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? व्हाट डज आरएसएस स्टैंड फॉर? आरएसएस अपने आप को कहता है कि हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम देश की संस्कृति को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, देश के युवा को इस संस्कृति को, महान संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं कि कैसे ये महान हिंदू राष्ट्र जो हजारों सालों से चला रहा है, केवल 1947 से नहीं जन्मा है, ये हजारों सालों की परंपरा है और इसे हम कंटिन्यू आगे रखना चाहते हैं। ये आरएसएस का मेन एजेंडा है। आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। आरएसएस अपनी फिलॉसफी को कहता है हिंदुत्व, और एम्फेसिस है यहाँ पे डिसिप्लिन और डेडिकेशन पे। डिसिप्लिन शाखा के थ्रू, दोनों तरह का डिसिप्लिन है, फिजिकल और मेंटल। हर शहर में आरएसएस की आपको लगभग शाखा देखने को मिल जाएगी। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, मध्य भारत में रहते हैं, लगभग हर शहर में आपको एक एरिया में एक शाखा देखने को मिली जाएगी। तो ये जो डिसिप्लिन है आरएसएस का, ये शाखा के थ्रू मेंटेन होता है। और मेंटल डिसिप्लिन मिलता है आरएसएस का उसकी नॉलेज के थ्रू जो दी जाती है इन्हीं शाखाओं में। अब आते हैं फाउंडेशन पे। तो आरएसएस की स्थापना करी थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इन्हें प्यार से डॉक्टर जी कहते थे आर संघ के लोग। ये नागपुर में इन्होंने 1925 27 सितंबर को इसकी स्थापना करी थी। दिन था विजयदशमी का, दशहरा का दिन। और डॉक्टर हेडगेवार, आगे मैं भी इन्हें डॉक्टर जी कहूँगा या फिर हेडगेवार कहूँगा, ये खुद एक कांग्रेसमैन थे, कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने तिलक के साथ मिलकर कई सत्याग्रह भी किए, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अंग्रेजों का विरोध भी किया। सावरकर की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन अल्टीमेटली जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1921 और 22 में, जब गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट दिया, उस समय ये कांग्रेस से अलग हो गए। इनका उस वहाँ पे उन्हें लगा कि ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जा रहा है कांग्रेस और गांधी जी द्वारा, कि खिलाफत मूवमेंट जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसे पॉलिटिकली सपोर्ट देकर उसे पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ से इन्होंने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग कर दिया। हालांकि इन्होंने कांग्रेस को बाद में भी सपोर्ट दिया इंडिविजुअल, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये कांग्रेस के सेशंस में बाद में भी जाते थे, पर इन्होंने खुद का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया केवल चार लोगों के साथ 27 सितंबर को। धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। पहली मीटिंग में 12 आए, फिर उसके बाद 12 लोग आए, 12 लोगों को इन्होंने अपना पहला भाषण दिया। जब फाउंडेशन हुआ था तब इसका नाम था केवल संघ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। जब 27 सितंबर 1925 को जब इसे स्थापित किया गया था तब उसे केवल संघ नाम दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम सिलेक्ट किया कुछ महीनों बाद 1926 में, तब से इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, पूरा बड़ा एक्सपांड करके नाम लिख दिया गया। फाउंडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर के बी हेडगेवार। अब आते हैं संघ परिवार पे। ये टर्म भी आप न्यूज़ में काफ़ी बार सुनेंगे, संघ परिवार क्या होता है। संघ परिवार लगभग 35 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह है जो अपने आप को आरएसएस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ पाते हैं। आरएसएस की छत्र छाया में ये ऑर्गेनाइजेशंस फले फूले हैं। आरएसएस एक तरह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आरएसएस एक बहुत बड़ी छतरी है जिसके नीचे ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस फले फूले हैं। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू करने वाले आरएसएस के ही मेंबर्स हैं, जिन्हें आरएसएस के नेताओं ने डेप्यूट किया कि आप जाके किसान संगठन शुरू करो, आप जाके एक वर्कर्स यूनियन शुरू करो। इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई आरएसएस की। तो वैसे ऑन पेपर हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, किसी का डायरेक्टली संघ परिवार से कोई जुड़ाव नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक अनरिटन सी बात है, मतलब समझने वाली बात है कि ये सभी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है। जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारी आते हैं और एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और ये मीटिंग 2019 में हुई है ग्वालियर में। अगर आप 2019 में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय प्रचारिणी सभा जो ABPS जिसे कहते हैं, ये हुई है 2019 में ग्वालियर में। तो ये यहाँ पे आरएसएस की जो कार्यकारिणी है वो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलती है, बैठती है, अपडेट्स लेती है, क्या काम चल रहा है, क्या फ्यूचर एजेंडा है, इसमें डिस्कस किया जाता है। और संघ परिवार एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है। संघ परिवार कभी 6 महीने, 1 साल या 2 साल की फिलॉसफी में या फिर स्ट्रैटेजी में नहीं सोचता। इनकी थिंकिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 50 साल में आगे का सोचते हैं। ये नहीं देखेंगे कि हम 6 महीने ये काम करते हैं तो 1 साल बाद ये फ़ायदा मिलेगा, नहीं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में सोचते हैं, इसके लिए आरएसएस बहुत फेमस है। अब थोड़े कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम जान लो जो इन 35 संगठनों में से एक हैं संघ परिवार के। सबसे पहला और फेमस है भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक तरह से आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म है आप कह सकते हैं, लेकिन लीगली आप नहीं कह सकते क्योंकि भाजपा लीगली कहीं नहीं कहती कि हम आरएसएस का एक हिस्सा हैं। फिर है भारतीय किसान संघ, फिर भारतीय मजदूर संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BMS,
फिर सेवा भारती, सेवा भारती मेनली सोशल सर्विसेज या फिर बाढ़ के समय राहत देने में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करती है। केरल में जो बाढ़ आई थी 2018 में, उसमें सेवा भारती ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। राष्ट्रीय सेविका समिति, ये महिलाओं के लिए, याद रखना आरएसएस मेन ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं पदाधिकारी नहीं बन सकती हैं, केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति अलग बनी हुई है। फिर है एबीवीपी, जो कॉलेजेस में आप देखेंगे इलेक्शंस लड़ती है मेनली एबीवीपी। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि एबीवीपी भाजपा का यूनिट है, नहीं, एबीवीपी आरएसएस का यूनिट है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। फिर विश्व हिंदू परिषद, जिसका संगठन इसे बनाया गया था ताकि जितने भी साधु संत हैं वो संगठित हो सकें और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके, तो इसीलिए 1960s में वीएचपी बनाई गई। हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो कि ओवरसीज विंग है एनआरआईज को जोड़ने के लिए, स्वदेशी जागरण मंच है, स्वदेशी को अपनाने के लिए, स्वदेशी को ज़्यादा फैलाने के लिए देश में। सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, देश में हजारों स्कूलें चल रही हैं विद्या भारती ट्रस्ट के अधीन। धर्म जागरण समिति है, जो हिंदुओं को फिर से रीकन्वर्ट करती है, जो ऐसे आदिवासी जिन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है उनके रीकन्वर्जन्स के लिए धर्म जागरण समिति काम करती है। वनवासी कल्याण आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम मोस्टली आपने न्यूज़ में नहीं सुना होगा, लेकिन ये आरएसएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, संघ परिवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्राइबल्स के लिए काफ़ी काम करता है, खास करके झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। फिर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इसकी शुरुआत 2012 या 13 में करी गई थी ताकि मुस्लिम्स भी आरएसएस से जुड़ सकें। फिर है बजरंग दल, बजरंग दल हालांकि उत्पात के लिए जाना जाता है, जैसे वैलेंटाइंस डे के समय जो जो भी प्रेमी जोड़ों को रोकने के लिए बजरंग दल के एक्टिविस्ट घूमते हैं, उसके लिए ज़्यादा अनफेमस है, इनफेमस है आप कह सकते हैं। लेकिन बजरंग दल की स्थापना क्यों हुई थी, जो अयोध्या के समय, अयोध्या मूवमेंट के समय जो रैलीज निकला करती थी उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए बजरंग दल बनाया गया था 1984 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु उद्योग भारती, स्मॉल इंडस्ट्रीज का नेटवर्क है, भारतीय विचार केंद्र एक थिंक टैंक है, विश्व संवाद केंद्र, कम्युनिकेशन विंग और विवेकानंद केंद्र, ये थिंक टैंक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको पता होने चाहिए, और हो सके तो देख लो कि इनके अभी करंट प्रेजिडेंट्स कौन है या करंट लीडर्स कौन है, ओके? क्योंकि अगर ये न्यूज़ में रहते हैं तो इनके लीडर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, खास करके अगर आप बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कोई स्टेट पीसीएस या फिर कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, आखिर आरएसएस काम कैसे करता है, ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि देखो आरएसएस ऑफिशियली अपना स्ट्रक्चर कहीं नहीं बताता है कि ऑफिशियली हमारा ये स्ट्रक्चर है। आरएसएस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कि कोई चुनाव होते हो। सर संघ चालक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, ही इज द हेड ऑफ द आरएसएस। सर संघ चालक इज लाइक द प्रेजिडेंट ऑफ आरएसएस। सर संघ चालक का सिलेक्शन कैसे होता है, जो पिछले सर संघ चालक है वो नॉमिनेट करेंगे कि मेरे जाने के बाद ये बनेगा, मेरे जाने के बाद ये बनेगा, बस ये डायरेक्ट नॉमिनेशन होता है, नाम ले लेते हैं कि अगला ये बनेगा। तो सबसे पहले थे केशव बलिराम हेडगेवार, फिर उसके बाद लक्ष्मण वामन परांजपे, फिर है एमएस गोलवलकर। गोलवलकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कई साल तक आरएसएस को लीड किया। गोलवलकर और हेडगेवार के नाम जरूर याद रखना। फिर मधुकर दत्तात्रेय देवरस, राजेंद्र सिंह, के एस सुदर्शन, और करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मोहन भागवत। ये है केशव बलिराम हेडगेवार, ये है करंट चीफ मोहन भागवत, और ये हैं गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, या फिर गुरुजी के नाम से इन्हें जनरली आरएसएस के लोग जानते हैं या फिर इन्हें बुलाते हैं गुरुजी, और इन्हें कहते हैं डॉक्टर जी, ये इनके टाइटल्स हैं, या कह सकते हो कि प्यार से इन्हें लोग ये बुलाते थे। अब आ जाओ लीडरशिप स्ट्रक्चर पे। अब ये नाम आप कभी कभी न्यूज़ में पढ़ोगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एक लेमैन के लिए, लेकिन जस्ट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि हम आरएसएस के बारे में जान रहे हैं तो फिर डिटेल में ही जानेंगे। आरएसएस में सबसे ऊपर है कौन होता है, सरसंघचालक। सरसंघचालक मोहन भागवत हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, राष्ट्रीय सर कार्यवाह। सर कार्यवाह जनरली दो या तीन होते हैं, दो या तीन जनरल सेक्रेटरी होते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, चार भी हो सकते हैं। फिर आते हैं सह कार्यवाह, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट है। अब ये आरएसएस नहीं कहता कि ये जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है, ये हम जस्ट थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जॉइंट जनरल सेक्रेटरी टाइप की पोस्ट है। फिर होता है क्षेत्रीय सर कार्यवाह। क्षेत्रीय सरकार सह कार्यवाह को कुछ स्टेट्स दे दिए जाएंगे या फिर एक जोन दे दिया जाएगा, ईस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, इस तरह से। फिर होंगे सह कार्यवाह, सहकार्यवाह इनको असिस्ट करेंगे, क्षेत्रीय सहकार्यवाह को, ये एक स्टेट में दो या तीन होंगे। फिर आ जाते हैं सह प्रांत प्रचारक। सह प्रांत प्रचारक को किसी एक जोन का एक पार्ट दे देंगे, अगर जैसे यूपी है तो वेस्टर्न यूपी एक सह प्रांत प्रचारक होगा, या फिर प्रयाग जो है वो एक प्रांत होगा, तो वहां पे सह प्रांत प्रचारक होगा, एक बड़ा जोन, ओके? फिर आते हैं प्रांत प्रचारक। प्रांत प्रचारक के पास कुछ शहर या फिर कुछ जिले होंगे, चार जिले, पांच जिले, तो वो हो जाएंगे प्रांत प्रचारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये एक तरह से जो मेजर पोस्ट होती है, ये प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक जो है ये फुट सोल्जर्स हैं। प्रचारक लगभग इस वक्त 2500 प्रचारक हैं आरएसएस के अंदर, और यही मेन फुट सोल्जर्स हैं, या फिर ये लीडर, टॉप लीडरशिप और ग्राउंड के बीच का कनेक्ट है। फिर आ जाता है महानगर कार्यवाह, जो एक सिटी का हेड होगा, उसके नीचे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नीचे शाखाएं होती हैं, तो सिटी के अंदर भी, बड़े सिटीज के अंदर अलग अलग जोन्स होते हैं।
मेनली आप तो बस ये याद रखो सहकार्यवाह या फिर राष्ट्रीय सहकार सरकार्यवाह कभी कभी न्यूज में रहता है, इसलिए ये नाम आपको मैंने बता दिए हैं। प्रचारक इंपॉर्टेंट है, प्रचारक यानी जो प्रचार करता है, जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, ये लाइफ लॉन्ग फुट सोल्जर्स होते हैं। लगभग 2500 मेंबर्स हैं जो परमानेंटली आरएसएस का काम करते हैं। ना इनका कोई घर का बिजनेस है, ना इनकी शादियां हुई है। इनका बैचलर होना जरूरी है ताकि इनकी कोई फैमिली लाइफ ना हो। अगर आपने परिवार का, इकोनॉमी का, अपने बिजनेस का त्याग कर दिया है तो ही आप प्रचारक बन सकते हो। आपको अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस को डिवोट करनी पड़ेगी। और जितने भी बड़े बड़े नेताओं के नाम आपने सुने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सभी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। बहुत रेयर केसेस में कोई एक्सेप्शन होता है जब शादीशुदा प्रचारक आगे बढ़ा है, ठीक है। बाकी जनरली जितने प्रचारक रहे हैं सारे ब्रह्मचारी होते हैं या फिर बैचलर होते हैं। प्रांत प्रचारकों को कई बार आरएसएस के एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग रोल में भेज दिया जाता है। जैसे किसी को किसान संघ में भेज दिया जाएगा, किसी को बीजेपी के काम के लिए स्टेट लेवल पे डेप्यूट कर दिया जाएगा, तो इन्हीं प्रांत प्रचारक को डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है। और आरएसएस के अंदर कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं होती। अगर आप आरएसएस ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, नहीं। आरएसएस के मेंबर आप नॉर्मली बन सकते हैं, नॉमिनली बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग अ शाखा। कि शाखा जाओ, शाखा रोज शाम को शाखा अटेंड करो, सुबह शाम आप ऑटोमेटिकली आरएसएस के मेंबर हो और आप उस शाखा के मेंबर कहलाओगे। अब ये शाखा क्या है? शाखा एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। शाम को इकट्ठा होते हैं लोग जो आरएसएस के मेंबर्स हैं या फिर जो भी आरएसएस की पॉलिसीज में, फिलोसफी में बिलीव करता है। और ये आरएसएस का सबसे विजिबल एस्पेक्ट है क्योंकि हर शहर के हर गार्डन में लगभग एक शाखा चलती है, नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट। दक्षिण भारत में या फिर उत्तर पूर्व में थोड़ी सी कम है, बाकी उत्तर भारत और में और सेंट्रल इंडिया में, तो वेस्टर्न इंडिया में कम्प्लीटली हर शहर के अंदर आपको एक एरिया में एक शाखा मिल जाएगी। तो शाखा जो है, इस वक्त 2019 का लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, लगभग 59,000 शाखाएं ऑपरेट कर रही हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि ये शाखाएं डेली होती हैं। और आई एम सॉरी, ये मार्च 18, 2018 का फिगर है, ये वाला 2019 का फिगर है। 59,000 क्रॉस कर चुकी हैं। फिर होती है एक वीकली शाखा होती है कई जगह, जैसे कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो वो लोग वीकली शाखाएं अटेंड कर सकते हैं संडे को, तो वैसी चल रही हैं 17,000 प्लस। फिर मंथली शाखाज भी हैं जो 8,000 से प्लस रेगुलरली चल रही हैं। ये इनकी एनुअल रिपोर्ट आती है, आरएसएस की एक एनुअल रिपोर्ट होती है बकायदा, उसमें ये डिटेल्स और फिगर्स दिए जाते हैं। और कितनी जगहों पर चल रही हैं? 37,000 प्लेसेस पे। जैसे एक सिटी के अंदर हो सकता है 10 शाखा चल रही है, किसी एक छोटे टाउन में 2 शाखा चल रही है, तो इसलिए नंबर ऑफ टाउन्स या सिटीज हो जाएगा 37,000 और शाखाएं हैं ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास। और रफली आरएसएस के अंदर जो शाखा अटेंड करने वाले लोग हैं उनका नंबर 5 से 6 मिलियन के आसपास बताया जाता है, रफ एस्टिमेट है। यानी लगभग 60 से 60 लाख के आसपास लोग आरएसएस को एक्टिवली जाके शाखा में हिस्सा ले रहे हैं। शाखा में होता क्या है? शाखा में अगर बच्चे अटेंड कर रहे हैं तो बच्चों को खेल खिलाए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को बिठाकर नेशनलिज्म के बारे में बताया जाता है, हिंदुत्व के बारे में बताया जाता है, या फिर अगर एडल्ट्स हैं तो उन्हें कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। डिसिप्लिन पे जोर है, प्रेयर होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये वाली जो प्रेयर है ये आरएसएस की फेमस प्रेयर है जो हर शाखा में बाय डिफॉल्ट होती है। ध्वज को सैल्यूट किया जाता है जो भगवा ध्वज है आरएसएस का, और ये आरएसएस की यूनिफॉर्म थी टिपिकल, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कैप और नीचे ब्राउन निकर, लेकिन 2016 में इस हाफ पैंट को रिप्लेस कर दिया गया है फुल पैंट से। और आरएसएस पे फासिज्म से इंस्पायर्ड होने का आरोप भी लगता है कई बार, क्योंकि कहते हैं कि जो इटली के जो मुसोलिनी की पार्टी थी उनकी इस तरह की यूनिफॉर्म थी जो आरएसएस ने डायरेक्टली कॉपी कर ली। ये बात काफ़ी हद तक सही है क्योंकि मुसोलिनी की जो पार्टीज थी, फासिस्ट पार्टीज थी, उनकी यूनिफॉर्म इस तरह की हुआ करती थी, सैल्यूट होते थे, तो इसी तरह का कुछ सैल्यूट आरएसएस ने भी अपना रखा है। हालांकि ये हिटलर के सैल्यूट से पूरी तरह से अलग है। और एक बात और बता दूं आपको कि हिटलर का जो एंटी ज्यू प्रोग्राम था, गोलवलकर ने जो उस वक्त सरसंघ चालक थे, उन्होंने उसको उसके अगेंस्ट लिखा था कि जो ज्यूज के साथ हिटलर कर रहा है वो गलत है, ज्यूज को अलग देश मिलना चाहिए, इसराइल के वो फेवर में थे। लेकिन जो हिटलर की रेसिस्ट आइडियोलॉजी थी सुप्रीमसी की, कि आर्यन रेस सुपीरियर है, उसमें वो बिलीव करते थे, तो हिटलर की कुछ बातों से वो एग्रीएबल भी थे। फिर शाखाओं के अंदर वेपन्स ट्रेनिंग दी जाती है। वो वेपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, एक डंडा होता है और इस डंडे को एज अ हथियार यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है जवान लड़कों को। और ऐसा आरोप लगता है कई बार कि कुछ सीक्रेट कैंप्स भी होते हैं जिनमें वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि वो कैंप्स पब्लिक नहीं होते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मीडिया में या पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब मैं आता हूँ आरएसएस के इतिहास पे, अर्ली ईयर्स पे। आपको मैंने बताया फाउंडेशन हुआ था 1925 में नागपुर शहर, आज भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में ही है, रेशम बाग एरिया के अंदर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार के घर से हुई थी। एजेंडा क्या था? इंडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू पॉलिटिकल कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट, यानी हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू धर्म की, हिंदू कल्चर की, हिंदू राष्ट्र की रक्षा। हिंदू राष्ट्र जो हजारों सालों से चला आ रहा है उसको आगे करने का काम आरएसएस चलाना चाहता था।
तो 1925 में जब फाउंडेशन हुआ, तो उसके बाद कुछ सालों तक तो बेस महाराष्ट्र में ही था, 5 सालों तक शाखाएं महाराष्ट्र के अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग सिटीज में बढ़ती गई, लेकिन मेनली बेस महाराष्ट्र में ही रहा। 1930 के बाद नॉर्थ इंडिया में आरएसएस थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी यूनिवर्सिटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई थी, उसमें आरएसएस को जगह दी। उन्होंने आरएसएस को वहां पे ऑफिस स्पेस दिया, वहां पे काम करने की अनुमति दी कि आप यहाँ पे आरएसएस की शाखाएं चलाओ। तो वहां से नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ काफी तेजी से फैली। पंडित मदन मोहन मालवीय खुद हिंदू महासभा के सदस्य थे, प्रेसिडेंट भी रहे थे, और वो आरएसएस के काफी फेवर में थे। तो यहां से आरएसएस काफी तेजी से बढ़ा 1930 के दशक में। लेकिन एक खास बात सुनिए, 1930 और 25 के दशक में भी हेडगेवार ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चतुराई से आरएसएस को एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट से अलग रखा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भी अलग रखा, और कोई भी एंटी ब्रिटिश इवेंट होता था वहां पे भी आरएसएस ऑफिशियली पार्ट नहीं लेता था। कैसे? जैसे देखो, 1930 में दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो डॉक्टर हेडगेवार खुद दांडी मार्च में गए थे पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन उन्होंने अपने संगठन आरएसएस को ऑफिशियली उस आंदोलन में नहीं झोंका। उन्होंने कहा आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, अगर कोई संघ का मेंबर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कांग्रेस के साथ इस मूवमेंट में जुड़ना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन आरएसएस को रिप्रेजेंट वो नहीं करेगा। तो हेडगेवार ने इस मामले में बहुत ध्यान रखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आरएसएस को बैन ना कर दे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी आरएसएस को बैन नहीं करती है 17 सालों तक, जब 22 साल जो टाइम पीरियड था 1925 से 47 का, इन 22 सालों में आरएसएस को ब्रिटिश सरकार ने कभी भी बैन नहीं किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि जब तक ये सोशल और कल्चरल बातें कर रहे हैं तब तक हम इन्हें टॉलरेट कर लेंगे, हमें बस पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। और कांग्रेस पूरी तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। तो हेडगेवार खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, कई सालों तक रहे थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी गए, जेल भी गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लेने के कारण हेडगेवार को जेल भी हुई थी 1 या 1.5 साल की, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस एक्टिवली इन किसी मूवमेंट में नहीं जुड़ा गया जुड़ा। ऐसा ही क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सेम बात थी। गोलवलकर ने कहा कि आरएसएस इस एंटी लॉफुल, एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट में, जो कि अनलॉफुल है क्योंकि यहाँ पे हिंसा का रास्ता अपनाया था कांग्रेस ने, तो वहां पे हम हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टीशन के समय आरएसएस ने हिंदू रिफ्यूजीज की मदद करी, जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए कैंप्स लगाए, शरणार्थी शिविर लगाए, खाना पहुंचाया, उन्हें राशन पहुंचाया। लेकिन आरएसएस पे उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप है कि जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उसमें बहुत सारे आरएसएस के मेंबर्स ने हिस्सा लिया था, और इस कम्युनल वायलेंस की आग को भड़काने में बहुत बड़ा रोल था आरएसएस के मेंबर्स का। अगेन, आरएसएस ने ऑफिशियली कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों को मारो या फिर पाकिस्तान जो जा रहे हैं उन्हें मारो या फिर पाकिस्तान के साथ हमें या फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे होने चाहिए, इस तरह की बातें ऑफिशियली आरएसएस कभी नहीं कहता था। लेकिन जो दंगों को भड़काने वाले लोग थे कई शहरों में, वो एक्टिव आरएसएस मेंबर्स थे। भारत की आजादी के तुरंत बाद, 5 महीने बाद, महात्मा गांधी की हत्या होती है। महात्मा गांधी की हत्या करी थी नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे आरएसएस मेंबर रहा था। अब यहां पर भी फिर से पेच अटक जाता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे एक्टिव आरएसएस मेंबर था जब हत्या करी गई थी, लेकिन आरएसएस कहता है कि वो एक समय शाखा आया करता था, किसी समय वो आरएसएस का मेंबर था, लेकिन जब हत्या हुई थी उस समय कई सालों से आरएसएस का उसका कोई नाता नहीं था। लेकिन एक परसेप्शन ये बन गया महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद कि आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने हत्या करी है, आरएसएस के लीडर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हत्या के तुरंत बाद 4 फरवरी को, केवल 4 दिन बाद ही आरएसएस को बैन कर दिया गया। ये आजाद भारत में आरएसएस का पहला बैन था। 3 बार आरएसएस बैन हुआ है, ये पहला बैन था। ज्यादातर आरएसएस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गोलवलकर को भी अरेस्ट करके कुछ महीनों जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया नागपुर में। फिर कुछ महीनों बाद क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बात करते हैं आरएसएस से और उनसे कहते हैं कि आप बैन हम आपसे हटा लेंगे, लेकिन 2 कंडीशन है। एक, कि आप संविधान को मान लो। आरएसएस ने संविधान को मानने से साफ इनकार कर दिया था। आरएसएस कहता था कि ये संविधान मनुस्मृति के कानूनों के खिलाफ है, तो हम इसे नहीं मानते। दूसरा, ट्राई कलर को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मानने से कम्प्लीटली इनकार कर दिया था आरएसएस ने। और आरएसएस के हेडक्वार्टर पे ट्राई कलर को कभी नहीं फहराया जाता था, केवल 2 बार फहराया था, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, यानी आजादी का दिन और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेंस वाला दिन। सिर्फ 2 दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था आरएसएस हेडक्वार्टर पे। तो ये दोनों सबसे बड़ी डिमांड थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑन पेपर आरएसएस ने दोनों को मान लिया कि हाँ ठीक है, हम संविधान के अगेंस्ट अब नहीं बोलेंगे, हम मानते हैं कि संविधान भारत में लागू होगा और ट्राई कलर को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 2002 तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे भगवा ध्वज फहराया, ट्राई कलर नहीं फहराया। 2002 में 50 साल बाद, 52 सालों बाद दोनों ध्वज एक साथ फहराए गए, भगवा ध्वज और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन बिठाया गया था उसने ये कहा कि डायरेक्टली हमें कोई लिंक नहीं मिला है कि आरएसएस का महात्मा गांधी की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन हम
ये जरूर जानते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं वो किसी समय आरएसएस के मेंबर्स रहे थे, और मैंने आपको बताया कि परसेप्ट की हत्या से काफी दुखी हैं, लेकिन देश भर में कई जगह ऐसा देखने को मिला था कि आरएसएस के लोग मिठाइयां बांट रहे थे गांधी जी की हत्या के बाद। तो इसीलिए ऑफिशियली लीगली आरएसएस को नहीं ठहराया गया दोषी, और ये भारत की राजनीति में आज भी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। आप देखेंगे जब तब कांग्रेस का कोई ना कोई नेता इस बात को उठा देता है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले उनको वोट मत दीजिए और इस तरह की बातें करते हैं, और जबकि दूसरी ओर भाजपा और आरएसएस कहते हैं कि इसका लीगल प्रूफ कहाँ है कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। अब आप जिस फिलोसॉफी को, जिस पॉलिटिकल एजेंडे को आप मानते हैं, आप उसे मानिए, आप फ्री हैं, भारत एक आज़ाद देश है। अब आते हैं हम आज़ादी के बाद। 1947-48 में जब 1948 में जब आरएसएस पे बैन हुआ, तो आरएसएस के नेताओं को ये चीज़ समझ में आई कि हमारा पॉलिटिक्स में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज अगर हमें बैन कर दिया तो सत्ता के गलियारों में हमारी बात पुरजोर तरीके से रखने वाला कौन है? कोई नहीं, क्योंकि हम तो पॉलिटिक्स से दूर हैं। क्योंकि आरएसएस क्यों बनाया गया था? एज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा वो कहते थे। तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन स्थिति चेंज होती है उस बैन के बाद, जब बैन हटा 1949 में ही बैन हट गया था। उसके बाद सीरियसली लीडर्स ने सोचना शुरू किया कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, और गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संपर्क किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले हिंदू महासभा के लीडर थे, फिर नेहरू की जो कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट थी भारत की, उसमें ये मंत्री भी थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। इन इनसे बातचीत करी गई क्योंकि ये थोड़े से राइट विंग लीडर थे, और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनसंघ का गठन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो इन सभी नेताओं ने मिलकर बनाई भारतीय जनसंघ, और जिसको पूरा सपोर्ट हासिल था आरएसएस का। तो ये पहली बार आरएसएस ऑफिशियली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दे रहा है। 1952 की बात है, 51 एक्चुअली फाउंडेशन हुआ था अक्टूबर 51, इसे सही कर लेना, अक्टूबर 1951 में, चुनाव के जस्ट पहले। चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, चुनाव से जस्ट पहले पार्टी का गठन किया गया था। तो पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ को मिली 3 सीटें, अगले में 4 सीट, फिर 14, फिर 35 और 22। तो आप देखेंगे 67 आते आते 35 सीटें, ये साइजेबल सीट है, एक साइजेबल पार्टी बन चुकी थी भारतीय जनसंघ। और 71 तक आते आते वापस 22 सीट आ गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन से जस्ट पहले भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था उसमें जीत हासिल करी थी, तो जनसंघ की सीट कम हो गई। लेकिन जनसंघ ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टीज में से एक था। फिर हम आते हैं रिहैबिलिटेशन इन मेन स्ट्रीम, यह है 60 का दशक। अब आज़ादी के तुरंत बाद एक आम आदमी के दिमाग में आरएसएस का नाम काफी खराब हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या से उसे जुड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन 50 और 60 के दशक में भारतीय जनसंघ बनाने के बाद, पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद, लोगों की दिमाग में आरएसएस की छवि थोड़ी सी सुधरी, और इस छवि को सुधारने में बहुत बड़ा रोल था 1962 में आरएसएस की सेवा। आरएसएस के वॉलंटियर्स ने अपनी सेवाएं दी, क्योंकि जब आर्मी पुलिस सब सीमा पे तैनात कर दी गई थी तो कई जगह फौज की हेल्प करी, ट्रैफिक का संचालन संभाला। दिल्ली जैसे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी आरएसएस के हाथ में थी, क्योंकि ट्रैफिक वाले जो पुलिसमैन हैं वो सारे अन्य कामों में लगे हुए थे। तो इस तरह से आरएसएस ने 62 के युद्ध में सरकार का, आर्मी का बहुत सपोर्ट किया, और जवाहरलाल नेहरू की खुद की जो इमेज, उनके दिमाग में जो इमेज थी आरएसएस की, वो भी काफ़ी हद तक सुधरी। पंडित नेहरू ने 1963 की रिपब्लिक डे परेड में खुद आरएसएस को इनवाइट किया, और आरएसएस का एक जो दल है उसने आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के साथ साथ रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया हुआ है। तो ये 1963 में हुआ था, एकमात्र ऐसा इंस्टेंस है जब आरएसएस ने रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया। फिर 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करी गई। ये मेनली गोलवलकर का आइडिया था कि जितने भी साधु, महात्मा, संत, जितने भी अलग अलग धर्म संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में, वो एक मंच पर आए, इनका समागम हो, और हिंदू धर्म को दुनिया में फैलाने के लिए, हिंदू धर्म की फिलॉसफी को बाहर तक ले जाने के लिए एक विश्व हिंदू परिषद का प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म दिया जाए। फिर आते हैं हम 70s में। अब 70 का दशक आते आते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ केसेस चल रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया राजनारायण केस में, और इसीलिए 1975 में, आई एम सॉरी, या 1975 होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे इमरजेंसी का लेक्चर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सर्च कीजिए इमरजेंसी स्टडी IQ, आपको लेक्चर मेरा मिल जाएगा। तो 25 जून को इमरजेंसी लागू करी गई और 4 जुलाई को आरएसएस को बैन कर दिया गया। आरएसएस को क्यों बैन किया? क्योंकि आरएसएस जेपी मूवमेंट में, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में पूरी तरह से जेपी के साथ था, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तो इंदिरा गांधी आरएसएस से बहुत नाराज थी, और इसीलिए इमरजेंसी लागू होते ही वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन किया गया था वो था आरएसएस। भारतीय जनसंघ के जितने भी नेता हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो जेल में नहीं थे वो अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए, और आरएसएस के कई नेताओं ने अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन संभाला, प्रोटेस्ट किए इमरजेंसी के खिलाफ,
ज़्यादातर सारे नेता भूमिगत हो गए थे और ज़्यादातर बड़े बड़े नेता जो हैं वो जेल में डाल दिए गए थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। 77 में जब चुनाव हुए, इमरजेंसी हटाई गई 1977 में, उस समय भारतीय जनसंघ सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर मर्ज हो जाता है जनता पार्टी के अंदर। जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है और जनता पार्टी 77 में पावर में आती है। लेकिन जनता पार्टी में 79 और 80 में एक प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली विपक्ष इतना यूनाइटेड नहीं था। विपक्ष में कई पार्टियां इस बात से खफा थी कि कई सरकारी मंत्री, सरकारी लोग जो जनता पार्टी में हैं, पावर में हैं, वो आरएसएस के भी मेंबर हैं, वो आरएसएस का भी काम कर रहे हैं और सरकार का भी काम कर रहे हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे लेकिन आरएसएस के भी मेंबर थे, आरएसएस का भी काम करते थे, उसके लिए भी भाषण देते थे। तो इससे जनता पार्टी के जो दूसरे घटक दल हैं वो सारे परेशान थे। उन्होंने कहा ड्यूअल मेंबरशिप नहीं चलेगी, या तो आप आरएसएस का काम करो या फिर जनता पार्टी का काम करो। इस बात पे जनता पार्टी दो फाड़ हो गई, जनता पार्टी बिखर गई, टूट गई। और फाइनली 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद बनती है भारतीय जनता पार्टी। और उस भारतीय जनता पार्टी में मेनली जो पुराने जनसंघ के नेता थे वो सभी वापस आ जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, जो सेकंड वाला बैन था वो इस सरकार ने आते ही हटा दिया था, चुनाव से पहले ही हट गया था। मार्च 22, 1977 को ये वाला बैन हट गया था, जो दूसरा वाला बैन है। तो ये उस समय की न्यूज़ रिपोर्ट है। जनता पार्टी पावर में आ गई थी, कई राज्यों में भी उसके बहुमत मिला था। तो अब आप समझिए ये इलेक्शन आरएसएस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। 77 वाला, 77 में पहली बार आरएसएस ने सत्ता का स्वाद चखा। आरएसएस के एक आरएसएस के प्रचारक मंत्री बना दिए गए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। आरएसएस के कई अन्य नेता राज्य सरकारों में मंत्री बने, राज्य सरकारों में उनके पास पावर आया। तो पहली बार उन्होंने सत्ता का स्वाद चखा और इसका पॉजिटिव उपयोग करते हुए शाखाएं बढ़ाई गई, अपना एजेंडा आगे लाया गया। अब आते हैं 1980 के दशक में। 1980 में जो चुनाव होते हैं उनमें फिर से इंदिरा गांधी जीत गई, जनता पार्टी बिखर गई, भारतीय जनता पार्टी बनती है 1980 में। उसमें ज़्यादातर पुराने जनसंघ के नेता थे। अब इसी समय 1982 के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का मुद्दा जोर शोर से उठाने की ठानी। वीएचपी ने कहा कि पॉलिटिकली हमें अब लड़ना होगा अयोध्या जन्मभूमि के मुद्दे के लिए। अभी तक भी वो मामला कोर्ट में चल ही रहा था, उस समय भी चल रहा था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, अगेन मेरा अयोध्या मूवमेंट के बारे में वीडियो देखिए। लेकिन वीएचपी कहती है कि अब इसे पॉलिटिकली हम आगे ले जाएंगे। और वीएचपी को बैकग्राउंड सपोर्ट किसका था? आरएसएस का। लेकिन आरएसएस का मेन एजेंडा नहीं था कि राम जन्मभूमि का इशू हम उठाएंगे। आरएसएस ने कभी डायरेक्टली इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। आगे बढ़कर जितना भी काम फ्रंट पे किया है वो वीएचपी ने किया है इनिशियली। 86 के बाद बीजेपी एज अ पार्टी भी इस मुद्दे के साथ जुड़ गई। 82 से लेकर 86 के बीच में बीजेपी इतना फोर फ्रंट पे नहीं थी राम जन्मभूमि मुद्दे के। हाँ, वीएचपी को सपोर्ट जरूर देती थी लेकिन जोर शोर से पॉलिटिक्स में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 85-86 के आसपास जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तब उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, रथ यात्रा करी और इसका पॉलिटिकल बहुत फायदा मिला बीजेपी को। अच्छा, एक बात और समझिए, आरएसएस ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी को कंट्रोल करता था। आरएसएस का पावर इतना ज़्यादा था क्योंकि आरएसएस का ग्राउंड लेवल पे कैडर है, ग्राउंड लेवल पे बेस है। आरएसएस के कहने पे लोग एक से दूसरी तरफ वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए आरएसएस के पावर से कांग्रेस की सरकारें भी झुकती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1986 में जब अयोध्या मंदिर का गेट खोला गया। राम जन्मभूमि टेम्पल जो है उसके गेट पे ताला लगा हुआ था कई सालों से और इस ताले को खोल दिया गया, दूरदर्शन पे इसका लाइव प्रसारण किया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आरएसएस ने कांग्रेस गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया था। फिर 1989 में शिला पूजन किया गया, ठीक है, शिला पूजन किया गया मंदिर का। और इस शिला पूजन की भी अनुमति किसने दी? सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस डायरेक्टली कहीं ना कहीं हाँ नहीं भरती तो शिला पूजन करना पॉसिबल नहीं था। यानी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो वीएचपी के लोग हैं वो शिला पूजन करके चले गए। तो ये दो इवेंट्स बताते हैं कि आरएसएस ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी पे अपना सारा दारोमदार रखती है। जब आरएसएस का काम निकल रहा है तो वो कांग्रेस पे भी दबाव बनाएगी, वो वीएचपी का भी इस्तेमाल करेगी और वो बीजेपी का भी इस्तेमाल करेगी। सो बीजेपी इज ओनली वन ऑफ द पॉलिटिकल आर्म्स ऑफ आरएसएस। बीजेपी को इस मुद्दे को उठाने से काफी फायदा मिला पॉलिटिकली, इलेक्टोरली। कैसे? आप देखिए, 1984 में भाजपा केवल 2 सीटें जीत पाई लेकिन जब राम जन्मभूमि का मुद्दा एकदम से लोगों के दिमाग पे छाया, आडवाणी ने इसके लिए काफ़ी यात्राएं करी, उनमें से एक जो सोमनाथ से अयोध्या वाली फेमस यात्रा है 1989 की, वो भी करी। तो कुल मिला के इन इलेक्शंस में एक एक करके बीजेपी की सीटें बढ़ती गई। तो 2 से 85 पे पहुंचे, फिर जब जन्मभूमि मुद्दा चरम पे था तब 120, फिर बाबरी मस्जिद ढहाने के 4 साल बाद 1996 के चुनाव में 161, फिर 1998 में पहली बार सरकार बनाने में सफल हुए विद 182 सीट्स, 99 में अगेन 182 सीट्स, फिर 2004 में हारे 138 सीट। और इस चुनाव में हार का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अंदरूनी बात है, कहा जाता है कि आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि इकोनॉमिकली दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद थे इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर। 2009 में फिर से 116 सीट हार,
लेकिन 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए चुनावों में बीजेपी को फुल सपोर्ट रहा आरएसएस का और 282 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत। ये फोटो है राम जन्मभूमि का जो पिनाकल मूवमेंट है आरएसएस की नज़र में, वो था बाबरी मस्जिद को ढहाना। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब भारत के सेक्युलरिज्म को तार तार करती हुई ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया वीएचपी के कार सेवकों द्वारा। यहाँ पे आरएसएस के मेंबर्स, वीएचपी के कार सेवक, भाजपा के पदाधिकारी, कई लोग मौजूद थे। अडवाणी जी भाषण दे रहे थे मंच पे थोड़ा सा दूर यहाँ से। और इस बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के तुरंत बाद जो उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, उसने आरएसएस को फिर से बैन कर दिया। तो ये तीसरा बैन है 1992 में, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 93 में फिर से ये बैन हटा दिया गया, क्योंकि डायरेक्टली आरएसएस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता था, लीगली डायरेक्टली अपना नाम कहीं आने नहीं देता था। तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि हम इंडाइट नहीं कर सकते, यानी आरएसएस के ऊपर ऑफिशियली सबूतों के साथ हम आरोप नहीं लगा सकते, तो ये 93 में फिर से बैन हटा दिया गया। तो ये तीसरा और आखिरी बैन है जो आरएसएस पे लगा था। अब आते हैं 90 के दशक में। 90 के दशक में बीजेपी धीरे धीरे कोएलिशन पॉलिटिक्स को समझने लगी। चुनाव में सीटें तो मिल जाती थी 160, 182, लेकिन ये बहुमत नहीं है। बहुमत क्या है, भारत के अंदर कितना मेजोरिटी चाहिए आपको, मेजोरिटी मार्क क्रॉस करने के लिए चाहिए 283 सीट्स, ये कभी मिल नहीं पाई। तो इसीलिए कोएलिशन पॉलिटिक्स का जमाना था और बीजेपी भी कोएलिशन को समझने लगी। और इस कोएलिशन धर्म के कारण कई बार आरएसएस और बीजेपी में टकराव होता था, क्योंकि बीजेपी के साथ जो दूसरे दल आके एनडीए बनाते थे उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी अलग होती थी, थोड़े से सोशलिस्टिक होते थे, और आरएसएस हर बार उनसे एग्री नहीं करती थी। खास करके इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत नुकसान झेला दोनों ने, क्योंकि यशवंत सिन्हा के समय एफडीआई की जब भी बात उठी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा रिटेल में, डिफेंस में, तो यहाँ पे सरकार चाहती थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन आरएसएस इसके खिलाफ थी। इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ कि यशवंत सिन्हा को एज फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा देना पड़ गया था इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण, आरएसएस के दबाव के कारण। तो अटल बिहारी वाजपेयी खुद भी पर्सनली इतना फेवर में नहीं थे कि आरएसएस इकोनॉमिक फ्रंट पे इतना हमें गाइड करे या फिर इतना हम पे प्रेशराइज करे। तो ऐसा माना जाता है कि 2003-04 आते आते अटल बिहारी वाजपेयी और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, यानी सरकार और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, और इसी कारण 2004 का जो चुनाव है उसमें हार के कारणों में से एक ये भी बताया जाता है कि आरएसएस पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं था, मतलब अगेंस्ट नहीं था, लेकिन जितना काम वो कर सकते थे शायद उतना नहीं किया गया, उतना प्रमोशन नहीं किया गया। स्वदेशी जैसे कई मुद्दों पे दोनों में डिफरेंसेस थे, तो मेनली इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा दबाव था। लेकिन 2013-14 आते आते आरएसएस कैडर्स बीजेपी की जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी को चुनाव जिताने में 2014 के जनरल इलेक्शंस। अब आते हैं आरएसएस की फिलॉसफी पे। देखो आरएसएस की फिलॉसफी हमें कैसे पता चलती है, आरएसएस अपने वीकली जो इनके वीकली मैगजीन्स आती है उनमें लेख लिखते हैं उनके नेता लीडर्स, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। कई लीडर्स ने बुक्स छापी हैं, अपनी फिलॉसफीज दी हैं, तो ऐसा कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है कि ये फिलॉसफी आरएसएस की, लेकिन मेजरली हम चार इसे टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अखंड भारत। आरएसएस मानता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब एक है, ये पूरा अखंड भारत है, जो हज़ारों साल पहले था वैसा ही भारत अब होना चाहिए। दूसरा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये दीनदयाल उपाध्याय ने फिलॉसफी दी थी, ठीक है, डीडीयू का शॉर्ट फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय का। दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे जनसंघ के, उन्होंने ये फिलॉसफी दी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी हमें इंसानों को तवज्जो देनी है। इसमें ग्रामीण विकास के बारे में इन्होंने बात करी, रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद इन्होंने बात करी सोशल डेवलपमेंट की। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल है यानी कैपिटलिस्टिक मॉडल है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, और लेफ्ट वाला जो मॉडल है वो भी सही नहीं है, दोनों के बीच का रास्ता हमें अपनाना है और इंसानों को तवज्जो देनी है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इसे नाम दिया। तो ऑफिशियली आरएसएस कहता है कि हमारी फिलॉसफी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की है। फिर है हिंदुत्व। हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना है, भारत में जो भी रह रहे हैं अखंड भारत में आरएसएस का मानना है कि वो सभी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है, हिंदुत्व को फॉलो करें। तो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की जो फिलॉसफीज हैं ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, आप चाहे किसी भी रेस के हो, आपको अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी इजाज़त है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जो भी अपना धर्म है उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस और संविधान के बीच में यहाँ पे टकराव था। फिर आते हैं हम आरएसएस की कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आप पथ संचलन देखेंगे, आरएसएस एक परेड या मार्च की तरह निकालता है पथ संचलन, ये शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए निकलता है, जो मार्च पास्ट होता है कई बार आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट ओकेजन, खास करके जो दशहरा का दिन होता है विजयादशमी, जो फाउंडेशन दिन है आरएसएस का, उस दिन पथ संचलन बाय डिफॉल्ट निकाला जाता है। उसके अलावा भी अन्य त्यौहारों पर आपको ये देखने को मिल सकता है। इससे डिसिप्लिन पता चलता है आरएसएस के जो शाखा के मेंबर्स हैं उनका। फिर है भगवा ध्वज। इसको लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही है, क्योंकि आरएसएस ने शुरुआत में मना कर दिया था कि
हमारे तिरंगे को, देश के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानते हैं, हम तो केवल भगवा ध्वज को सैल्यूट करेंगे। इनफैक्ट आरएसएस की फिलॉसफी में सबसे ऊपर भगवा ध्वज है, सरसंघ चालक भी टॉप पे नहीं आते, सरसंघ चालक भी सैल्यूट करेंगे भगवा ध्वज को, भगवा ध्वज इज द टॉप मोस्ट थिंग। यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरएसएस ये नहीं कहता कि आप इस भगवान को पूजो या उस भगवान को पूजो, आरएसएस कहता है कि केवल भगवा ध्वज को सैल्यूट करो, ये हमारे हिंदू राष्ट्र का ध्वज है और इसे ही हम मानेंगे। तो भारत का जो तिरंगा है वो केवल 14 अगस्त 1947-15 होना चाहिए, 14 अगस्त की मिडनाइट, मतलब 14 और 15 की जो मिडनाइट थी उस दिन इसे फहराया गया था, फिर 26 जनवरी को फहराया गया, उसके बाद 2002 तक आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे तिरंगा नहीं फहराया गया। 2002 से लेकिन हर रिपब्लिक डे और हर आज़ादी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा और भगवा ध्वज दोनों फहराए जाते हैं। फिर आते हैं पब्लिकेशंस पे, कई बार ये पब्लिकेशंस कंट्रोवर्सी में होते हैं क्योंकि ये कई कंट्रोवर्शियल लेख छाप देते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजर जो इनका अंग्रेजी मैगजीन है, अंग्रेजी में मैगजीन है, दोनों वीकली आते हैं, पांचजन्य हिंदी में आता है और ऑर्गेनाइजर इंग्लिश में। इसके अलावा दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई रीजनल वर्नैक्युलर लैंग्वेज में भी वीकलीज लाई गई हैं। तो अगर आप तमिलनाडु में हैं तो तमिल भाषा के अंदर भी वीकली आपको देखने को मिलेगा आरएसएस का, बंगाली में भी मिलेगा, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं भारत की उनमें देखने को मिलेगा। आरएसएस की शाखा केवल 3-4 राज्यों में, ज़्यादा नहीं है, बाकी लगभग हर राज्य में हर ब्लॉक को आरएसएस की शाखाएं कवर कर रही हैं। केवल एक मिजोरम, नागालैंड और जो मेघालय स्टेट है इसमें आरएसएस की प्रेजेंस थोड़ी सी कम है, उसके अलावा लगभग हर स्टेट में आपको आरएसएस की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं आरएसएस की कुछ अच्छे कामों पे। देखिए जहाँ पे अच्छा काम है, वेयर क्रेडिट इज ड्यू, क्रेडिट देना बनता है। आरएसएस हर मुश्किल समय में, देश की हर मुश्किल घड़ी में आरएसएस के वॉलंटियर सबसे आगे खड़े होते हैं जनता की मदद के लिए। तो चाहे वो बाढ़ हो या फिर फेमाइन हो या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे वो उत्तराखंड में जो डिजास्टर हुआ था 2013 में, चाहे वो केरल की बाढ़ है 2018 की, उड़ीसा का ओखी चक्रवात है, जिस भी समय लोगों को ज़रूरत थी आरएसएस वॉलंटियर सबसे आगे आए हैं और उन्होंने हर नेचुरल कैलामिटी में लोगों की सहायता करी है, चाहे वो राशन पहुंचाना हो, चाहे वो फंसे हुए लोगों को निकालना हो, सड़क को साफ करना है लैंडस्लाइड में, इस तरह के हर काम में आरएसएस के वॉलंटियर्स आगे रहते हैं। सेवा भारती जो इनका आरएसएस का सेवा दल है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ से देश का कल्चर जीवित है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कई जगह सरकारी स्कूल तक नहीं है। ट्राइबल एरियाज़ में वनवासी कल्याण परिषद का जो काम है वो तारीफ़ लायक है, तो इन एरियाज़ में आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आरएसएस के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, बाय द वे ये केरल की बाढ़ का एक फोटोग्राफ है पिछले साल का 2018 का। क्रिटिसिज्म्स बहुत सारे हैं आरएसएस के, क्रिटिसिज्म्स की बात करता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप जो आरएसएस पे लगता है वो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का, कि ये एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये बात करता है केवल हिंदू धर्म की, और आरएसएस कहता है कि मुसलमान और क्रिश्चियन और अन्य किसी धर्म के लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। इस तरह की बातें प्रोपेगेट करी जाती है आरएसएस लीडर्स द्वारा उनकी किताबों में, क्योंकि एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन बातें सीधी सीधी लिखी गई हैं इस किताब में, बंच ऑफ थॉट्स। एमएस गोलवलकर जिन्होंने लगभग 40 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया है, एमएस गोलवलकर ने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स 1964 या 5 में कुछ किताब लिखी थी, उस समय इन्होंने सीधा इस किताब में लिखा है कि देश को सबसे बड़ा थ्रेट है मुसलमानों से और क्रिश्चियन से। तो ऐसी बातें जब आरएसएस के नेता बोलते हैं या लिखते हैं तो आरएसएस डेफिनेटली फंडामेंटलिज्म की ओर जाता है। हालांकि आज के जो आरएसएस की लीडरशिप है वो कहती है कि देखो समय के साथ बदलाव आता है, बंच ऑफ थॉट्स में लिखी गई हर चीज़ आज सही नहीं है। आरएसएस बहुत इस मामले में अडेप्ट करता है अपने आप को, क्योंकि एक 70 और 80 का दशक था जब आरएसएस के नेता कहते थे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आज खुद आरएसएस लीडर्स ट्विटर फेसबुक सब जगह मौजूद हैं, दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ज़्यादातर बड़े लीडर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो आरएसएस की थिंकिंग में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, लेकिन आज भी ये बात है, आज भी ये बात देखने को मिलती है कि मोस्ट ऑफ द आरएसएस लीडर्स कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम बातें या एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स रखते हैं। फिर है एडवोकेटिंग कल्चरल होमोजेनिटी। कल्चरल होमोजेनिटी का मतलब है कि आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र जो भारत में रह रहा है वो हिंदू है, ये आरएसएस की फिलॉसफी है, लेकिन ये सच नहीं है। भारत में क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, भारत में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, आदिवासी भी रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एनिमिस्टिक रिलीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के रिलीजन्स अलग हैं, लेकिन आरएसएस कहता है कि वो सभी एक कल्चरल होमोजेनिटी के अंदर हैं, एक जैसा उनका कल्चर है, जो भारत में रहेगा वो हिंदू है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। तो ये वाली बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है आरएसएस का। फिर आरएसएस को कई बार एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है जो एक पैरामिलिट्री ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि कई दंगे हुए हैं जैसे गोधरा रायट्स थे,
उसके बाद उड़ीसा के अंदर जो एंटी क्रिश्चियन राइट्स थे उनमें सीधे तौर पर आरएसएस का हाथ देखने को मिला था। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हुई थी उनमें भी कई आरएसएस के मेंबर्स का या आरएसएस के लीडर्स का नाम आया था, इसीलिए आरएसएस को एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है। फिर मालेगांव ब्लास्ट में जब नाम आता है 2006 में आरएसएस का, उस समय एक शब्द आया हिंदू टेरर। तत्कालीन यूपीए सरकार और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आरएसएस इज हिंदू टेरर, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, जैसे इस्लामिक आतंकवाद है उससे बड़ा खतरा यूपीए सरकार ने कहा कि देश को हिंदू आतंकवाद से है। हालांकि इसमें से कई केसेस में जो लीडर्स थे उन्हें बरी कर दिया गया बाद में, लेकिन उस समय ये टर्म काफ़ी चर्चा में था कि हिंदू आतंकवाद या हिंदू टेरर, और इसमें मेनली मालेगांव ब्लास्ट या फिर अजमेर ब्लास्ट का नाम दिया जाता है, जो अजमेर में दरगाह के पास में ब्लास्ट हुए थे उनमें। तो ये मिड 2000s की बात है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली किसी आरएसएस लीडर का नाम नहीं आया, लेकिन जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट आरएसएस के उस नेता से मिल रहा था या इस नेता से मिल रहा था। फाइनली आप सबको मैं एक अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई है वहाँ पे मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं था, सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिन्हें मैंने एक अलग अलग जगहों से ढूंढ के आपके लिए इकट्ठा किया है इस लेक्चर के लिए। एक पर्सनल बात ऐड करना चाहूँगा, मैंने नोटिस किया है कि आरएसएस के प्रति लोगों के दो ही रवैये हो सकते हैं, एक या तो आरएसएस को सपोर्ट करेंगे या फिर उसे बिल्कुल नफरत करेंगे, उसके अगेंस्ट होंगे। दो ही तरह के लोग आपको भारत में मिलेंगे, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है। या तो आप आरएसएस के सपोर्टर हो या आप उसके अगेंस्ट हो, देर इज नो मिडिल ग्राउंड। आप किसी से भी पूछिए, अगर आरएसएस के मेंबर नहीं होगा कोई तो या तो वो उसे सपोर्ट कर रहा होगा या उसके अगेंस्ट होगा। यू आर फ्री टू डू एनी ऑफ दोज। आप भारत के नागरिक हैं, आपको आपका संविधान ये अधिकार देता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप, किसी भी सोशल ग्रुप का हिस्सा बनिए, मेंबर बनिए, एक एजेंडा रखिए, रवैया रखिए, पॉलिटिकल आउटलुक रखिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है इस देश में। लेकिन आपके उस रवैये को दूसरों पे मत थोपिए, बस मेरा इतना आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। कमेंट्स में भी आप इस तरह के कमेंट्स मत करिए कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी सोच वैसी है, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। आप अपना व्यू पॉइंट आगे रखिए, अगर अगले को आपका व्यू पॉइंट सही लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उससे सहमत हो जाएंगे। किसी को डरा धमका के अगर आप उससे वो बात मनवाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात में दम है तो उसे पॉजिटिवली लोगों पे इम्प्रेस, उस बात को इम्प्रेस करने दीजिए, लोगों को पॉजिटिवली उसका इम्प्रेशन जाने दीजिए, लोग खुद ब खुद आपकी बात से सहमत होंगे। इसी नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।